लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर समेत देश भर में भक्ति और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। इसको लेकर जहां छठ व्रतियों के द्वारा पूरी निष्ठा और नियम के साथ माता षष्ठी और भगवान भास्कर की आराधना की जा रही है, वहीं छठ व्रतियों के 36 घंटे के लंबे निर्जला उपवास का भी अपना विशेष महत्व है। वहीं रविवार को छठ महापर्व के तीसरे दिन सुबह से ही छठ व्रतियों के साथ पुरुष महिला और युवतियों ने भी पूजन से जुड़े पकवान बनाने में सहयोग किया। इस दौरान कई जगहों पर ठेकुआ पूड़ी कसार समेत कई तरह के पकवान छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा के लिए तैयार किया गया, जबकि कई जगहों पर पकवान बनाने के दौरान छठ व्रती महिलाएँ छठ के गीतों को गाकर भगवान सूर्य और षष्ठी माता की आराधना करती दिखी। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का सनातन परंपरा में विशेष महत्व है, जिसमें अस्ताचल गामी और उदयमान सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया की पूजा आराधना की जाती है। वहीं शुक्रवार से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना पूजन कर व्रतियों द्वारा 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया गया, जहाँ छठ व्रतियों ने नियम एवं शुद्धता का ख्याल रखते हुए खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद घर वालों के साथ सभी लोगों के बीच खरना का प्रसाद वितरण किया गया। इधर रविवार को अधिकतर जगहों पर मिट्टी या नई ईंटे से चूल्हे तैयार कर छठ पर्व के लिए प्रसाद तैयार किया गया, जबकि बदलते समय एवं सुविधाओं के अनुरूप कई जगहों पर नए या शुद्ध गैस चूल्हे का भी इस्तेमाल कर अर्घ पूजन के लिए पकवान सामग्री तैयार की गई। भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर रविवार को छठ महापर्व के तीसरे दिन श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देकर छठी मैया की आराधना की। इस दौरान जिले के तमाम गंगा छठ घाटों, तालाब, पोखरों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ अर्घ पूजन के लिए उमड़ी रही। वहीं दूरी या अन्य कारणों से गंगा घाट तक नहीं जाने वाले के लिए सामाजिक संगठन और समितियों की ओर से कृत्रिम छठ घाट का निर्माण किया गया, जहाँ छठ व्रतियों ने मैया और भगवान भास्कर को अर्घ देकर पूजा आराधना की। इस दौरान विभिन्न छठ घाटों पर हाथों में सूप डाला लेकर छठ व्रती ने गंगा या कृत्रिम तालाब में भगवान भास्कर को नमन कर मनोवांछित फल की कामना की, जबकि अर्घ देने के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने भी पूरे भक्ति भाव के साथ छठी मैया से सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की। इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के साथ सामाजिक संगठन और शहरवासियों के द्वारा साफ सफाई, लाइटिंग, सेवा शिविर और पंडाल समेत कई तरह की तैयारी की गई है, जिससे छठ व्रती या श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। वहीं अर्घ पूजन या स्नान के दौरान गंगा में डूबने से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर से जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है, जबकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में निपटने और डूबने से लोगों को बचाने के लिए गंगा में SDRF टीम, पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार गश्ती की व्यवस्था की गई है। सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर रविवार को अजगैबीनाथ एवं नमामि गंगे घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान सभी भक्तों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने घरों में सुख संपत्ति और उन्नति की कामना की। वहीं सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल सहित कई जनप्रतिनिधि ने भी रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इसको लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार ने कहा कि दोनों छठ घाट एवं शहर के विभिन्न जगहों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इधर नगर परिषद सुल्तानगंज की ओर से छठ घाटों में बैरिकेडिंग, लाइटिंग और नाव की व्यवस्था की गई है, जबकि छठ व्रतियों के लिए कई इंतजाम किया गया है। वहीं अंचल अधिकारी ने छठ घाट और गंगा में SDRF टीम को तैनात किया है। इस दौरान आगामी 9 दिसंबर को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदाधिकारी शुभम कुमार और ज्योति कुमारी वर्मा ने लोगों को जागरूक किया। पर्व के अवसर पर हर एक साल हैप्पी क्लब के द्वारा यहां पर सजावट किया जाता है और शहर के सभी जनताओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं, और ऐसा कहा जाता है कि जिसका उदय है उसका अंत निश्चित है, लेकिन छठ पर्व हमें यह सिखाता है
कि जिसका अंत है उसका उदय निश्चित है। सूर्य का लोगों ने जल गंगा जल माता छठ का पूजा किया। हम सबको मनाते हैं कि हे भगवान सूर्य और हे माता छठ सबकी सबकी कामना को पूरा करना। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब अकादमी। भागलपुर के सनहला प्रखंड अंतर्गत बूढ़ा पाटकडी पंचायत के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई की गई, जिससे व्रतियों के साथ छठ पूजन के लिए घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो। पंचायत के मुखिया छब्बू हरिजन ने रविवार को पंचायत के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई कराई, जिसके बाद कई तरह की व्यवस्था भी छठ व्रतियों के लिए की गई। वहीं भट्टाचक के छठ घाटों पर पंचायत के मुखिया द्वारा छठ व्रतियों के लिए साफ सफाई और लाइटिंग समेत कई विशेष व्यवस्था कराई गई, जिससे घाट तक पहुंचने में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। वहीं इसको लेकर मुखिया ने बताया कि लोक आस्था के पर्व छठ में नियम निष्ठा का विशेष ख्याल रखा जाता है और अखंड उपवास के दौरान पूजा में व्रतियों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, जिसके लिए उनके द्वारा फल और दूध के वितरण की भी व्यवस्था की गई है। वहीं छठ घाटों पर भगवान भास्कर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। एक और जहां छठ महापर्व से कई किंवदंति जुड़ी हुई है, वहीं संतान के साथ परिवार और देश की सुख समृद्धि के सदियों से इस पर्व की परंपरा चली आ रही है, जिसे छठ व्रती पूरे भक्ति भाव और नियम से छठ पूजन करते हैं। वहीं इसी कड़ी में पिछले 30 सालों से लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पंडित हरि नारायण शुक्ला फाउंडेशन की अध्यक्षा मीना मिश्रा भी छठ व्रत करती आ रही हैं। इस दौरान भागलपुर के नाथनगर स्थित एलिमेंट्री स्कूल में छठ कर रही मीना मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष वो 30 से भी अधिक सूपों के साथ विद्यालय परिसर में बनाए गए नवनिर्मित जलाशय में छठ पूजन कर रही है। उन्होंने बताया कि अर्घ पूजन के दौरान परिवार के साथ समाज के अलग अलग जगहों से आए लोगों के सूप के साथ वो भगवान भास्कर की उपासना कर रही है, जिसमें रविवार की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। वहीं विद्यालय से अविकल शुक्ला का कहना है कि फाउंडेशन की अध्यक्ष का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में हर साल की तरह जनकल्याण और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए छठ कर रही है और उन सभी को छठ मैया पर पूरा विश्वास भी है।